हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी है दोपहर का टाइम और दोपहर के बज रहे हैं, मतलब ऐसे 3 बज रहा है, 3:15 ऐसा ही हो रहा है। तो अभी मैं थोड़ा देर लेट गई थी, लेटने के बाद उठी हूँ तो थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ क्योंकि आज बहुत काम किया है। मतलब मेरे वाला जो ये रूम है ना, इसका पूरा सफाई हुआ है आज। तो मतलब जितना भी धूल था ना, गर्दा वाला काम, वो आज मैं कर दी हूँ। तो अब सिर्फ सामान पोछ पोछ के सेट करना बाकी है। तो पता नहीं नाक पे क्या लगा है। तो अब सिर्फ सामान जो है ना, उसको क्लीन कर कर के मतलब सेटिंग करना है। तो पूरा मतलब होता है ना कि थक जाता है, वैसा ही बिल्कुल भी थक गई हूँ। मतलब सुबह से बहुत ज़्यादा काम किया। ऐसे कुछ काम करने का मेरा आदत नहीं है, मैं बहुत कम काम करती हूँ। मतलब होता है ना कि आज बाल भी वॉश करके नहाई थी तो पूरा बाल अभी देखिए गीला ही है, और मैं नीचे ही लेट गई थी तो मुझे ठंडा भी लग रहा है। पूरा मेरे पैर उर सब ठंडा ठंडा हो गया है। मतलब ऐसे छत पर, अब ठंडा का दिन आ गया तो छत पे जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं गई, छत पे नीचे ही लेट गई क्योंकि जाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। वही ना, मतलब बोली ना कि थक गई थी एकदम, तो थोड़ी देर लेट गई तो थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। तो सोची कि अब सोने से क्या फ़ायदा, 3:30 होने जा रहा है। तो उठती हूँ, देखती हूँ सारा सामान उमान, मतलब जहाँ जहाँ का है वहाँ पे सेटिंग करती हूँ। थोड़ा सा गीला कपड़ा मतलब ला के इसको पोछती हूँ, और उसके बाद इस वाले बेड का जो चादर उधर भी कुछ भी नहीं बिछाई हूँ, तो चादर बिछाते हैं। आगे का भी यही काम है, ये सब करते हैं। फाइनली धूल वाला काम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी किचन का जो सफाई वो अभी बाकी ही है। तो देखिए किचन का सफाई कब होगा, सोची हूँ मंगलवार के दिन किचन सफाई, मतलब किचन का साफ करने का तो होगा, तो उस दिन किचन का सफाई हो जाएगा, लेकिन अभी तो मैं नहीं करूँगी किचन का सफाई। तो यही चल रहा है, अभी का सिचुएशन ऐसा ही चल रहा है। दिवाली का साफ सफाई में सब लोग बिजी है, मुझे भी मालूम है आप लोग भी बिजी होंगे। इस बिजी मतलब होता है ना कि बिजी बिजी चल रहा है, इसमें भी ब्लॉग भी बनाना पड़ता है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। क्या करें, ब्लॉगर का मतलब ब्लॉगर है हम लोग तो, हम लोग का एक ये भी लाइफ है कि ब्लॉग भी बनाना है, ये भी सोचना पड़ता है। तो कोई नहीं, साथ के साथ सब चलेगा, ठीक है। और बताइएगा आप लोग, मतलब दिवाली के लिए कपड़ा खरीदे कि नहीं, देखते हैं। कल मैं भी जाऊंगी, कुछ खरीद के लाते हैं या पहले का होगा वही पहनेंगे। मतलब अच्छा लग, कुछ दिखेगा तो खरीदेंगे, नहीं तो पहले का बहुत सारा चीज़ वैसा ही रखा है, कपड़ा है, गाउन है, लहंगा है, तो देखेंगे कुछ भी पहन लेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। थोड़ा घर का मैं हाल दिखा देती हूँ आप लोगों को। कोई सामान नहीं है, सब पूरा घर मेरा खाली पड़ा है। वहाँ पे फोटो रहा मतलब रखा रहता है, पूरा खाली है। अब नीचे का इधर उधर सब सामान फैला है पूरा है। अब सिर्फ भी सबको पूछ के और मतलब सेटिंग मिलाना है। यहाँ पे सोफ़ा, ये दोनों सोफ़ा का मैं उठा के रखी हूँ, एक वाला सोफ़ा वहाँ पे रखा है। तो इन सबको खाली पूछ पूछ के और ये सब गद्दा मतलब सेटिंग करना है। कपड़ा में सारा धोने के लिए कपड़ा जो था ना मेरे पास, वो सब धो दी हूँ, तो कपड़ा भी सूख जाएगा शाम तक। उसके बाद बाहर पर्दा भी लगाना पड़ेगा क्योंकि पर्दा बहुत इम्पोर्टेंट है लगाना, क्योंकि मैं हर एक बार वीडियो में बता दूँ कि मेरा जो ये घर है ना, मतलब रोड के साइड पड़ता है, तो पूरा रोड की ओर से पूरा ओपन है। तो क्या होता है ना कि और सामने का जिसका मतलब ज़मीन है ना, वो क्या किया है ना, मतलब मुझे लगता है कि टीसा आदमी की पता नहीं कैसा है, वो क्या किया है ना कि मतलब बेग का फैक्ट्री होता है ना, उस आदमी को दे दिया है। तो हर एक टाइम ना मतलब डेली में जो काम करता है उन सबको मालूम है कि मतलब चलो मतलब सामने फैमिली रहता है तो मतलब नहीं, मतलब दिख दख नहीं, मतलब ताकेंगे नहीं। और हर एक टाइम क्या होता है ना कि आदमी चेंज होता रहता है, ये सब का मतलब क्या बोलते हैं, स्टाफ सब चेंज होता रहता है। तो अभी का जो स्टाफ सब आया है ना, तो 24 घंटा खाली छते पर रहता है। मतलब छत पे भी जाना थोड़ा अजीब लगता है, जाइएगा तो सब ऐसे देखेगा कि पता नहीं कभी आदमी ही नहीं देखा वैसा देखता है सब, तो अच्छा नहीं फील होता है। तो इसीलिए सोची कि चलो मतलब रात में मैं पर्दा धो दी थी तो पर्दा सब सूख गया होगा, तो बड़ा छोटा वाला आएगा तो पर्दा लगा देगा, मैं तो पर्दा नहीं लगाऊंगी। लेकिन इस वाले रूम का मैं सेटिंग मिला देती हूँ, तो बने रहिए ब्लॉग में। बहुत सारा बात कर लिया आपसे, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। हेलो फ्रेंड, देखिए मैं उस टाइम मिलने के बाद मिल रही हूँ, डायरेक्ट रात हो गया, रात तो नहीं हुआ, मतलब 6 बज रहा है। 6 बजे मैं फिर ही अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, और मतलब जो भी काम था ना सुबह का, मतलब करते करते इतना थक गया ना कि मत पूछिए। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ पीने के लिए, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को दोपहर का चाय।
अभी पिया जा रहा है बताइए, मतलब 6 से ज़्यादा ही हो गया मुझे लग रहा है, बाहर एकदम अंधेरा हो गया है, तो सोची कि चलो थोड़ा सा चाय पीती हूँ। मतलब पूरा बॉडी इतना पेन कर रहा है, नहीं लग रहा है कि कोई अच्छे से ऐसे मतलब वो कर देता ना तो थोड़ा सुकून मिल जाता है, इतना बॉडी पेन कर रहा है। रात में भी इतना पैर दर्द कर रहा था ना कि अच्छा से नींद भी नहीं मुझे आया, सो ही नहीं रात में अच्छे से। तो यही है, क्या करें, ऐसा ही अभी चल रहा है। जब तक दिवाली नहीं ख़त्म होगा तब तक काम का प्रेशर ख़त्म नहीं होने वाला, तो इसमें थोड़ा सा सोची कि बॉयल आ जाता है उसके बाद कम करती हूँ इसको। तो इसको अब थोड़ा सा ये मतलब वो कढ़ेगा, और आज बना रही हूँ गोभी वाला जो बनता है बिरयानी, आलू डाल के, आलू गोभी डाल के वही बना रही हूँ, झटपट में वही बन जाएगा। और ऐसे भी अभी मुझे कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, और कल भी कुछ खाना नहीं बना था, बाहर से ही ला के खाए थे, तो रोज़ रोज़ बाहर का भी खाना अच्छा नहीं रहता है। तो सोची कि चलो आज मतलब यही बना देती हूँ, वेज बिरयानी बोल लीजिए या कुछ भी, तो आज इसी से काम चल जाएगा। थोड़ा सा सोयाबीन भी रखा है, सब मिक्स करके बना दूँगी, अच्छा लगता है, बच्चे मतलब खा लेते हैं, हस्बैंड को उतना नहीं अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, वो भी खा ही लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं खाएंगे, लेकिन बोलते हैं ना कि जिसको अच्छे से पसंद हो वैसा उनको नहीं पसंद है, तो क्या करें। और अभी तो थके हुए इतना ना थके कि अभी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, तो अभी यही बनेगा। तो चलिए उस वाले रूम में चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को फैला सामान। ये सारा कपड़ा मतलब रात में मैं धो के सुखाई थी, जितना भी पर्दा था घर में का वो सब फाइनली सब सूख गया है, और ये सबको मैं वॉश कर दी थी। ये सब्जी रखने वाला है जो, और ये सब ये चावल का डब्बा है, आटा का डब्बा भी वॉश नहीं की हूँ। तो अभी मैं चाय पीने के बाद ये सारा कपड़ा है इसको मैं फोल्ड करूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी, क्योंकि अभी टाइम बहुत है, देखिए 6 बज रहा है अभी, तो अभी काफ़ी टाइम है, तो इसीलिए इसी कपड़े के ढेर के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत थक गई हूँ यार, मतलब होता है ना कि कमर टूट जाता है काम करते करते, और अभी तो मेन काम जो है ना सो बाकी है, मतलब किचन का जो काम है ना सो पूरा बाकी है, कुछ भी नहीं हुआ है किचन में। किचन में ना फ्रिज साफ़ की हूँ, ना डब्बा, मतलब ऊपर का तो रेक साफ़ कर दी हूँ, जितना खाना बनता है यूज होता है डब्बा वो बाकी है, और उसके बाद चूल्हा बाकी है, बर्तन रखने वाला बाकी है, और सबसे ज़्यादा झंझट वाला चीज़ है फ्रिज। फ्रिज तो पूरा वैसे ही बाकी है, कुछ भी साफ़ नहीं हुआ है। तो कल मुझे जाना है डॉक्टर के पास, मतलब बीच में मेरा तबीयत ख़राब था तो पेशाब मतलब चेक करने के लिए रिपोर्ट दिए, मतलब पेशाब चेक करने के लिए दिए थे, तो उसका रिपोर्ट आने वाला था बृहस्पतिवार के दिन, तो बुधवार के दिन करवा चौथ था, तो उसके अगले दिन मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया, और उस दिन से रोज़ रोज़ आज कल ऐसे ऐसे हो रहा है। तो कल सोची कि फाइनली जाऊँगी तो लेके आऊँगी, और उसके बाद मुझे एक साड़ी भी लेना है छठ के लिए, तो देखते हैं जाते हैं तो टाइम मिलता है तो साड़ी भी लेते आऊँगी उधर से। तो मतलब आ जाएगा तो फिर ब्लाउज भी स्टिच करने के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि दिवाली में पहनने के लिए मैं सोची हूँ कि एक साड़ी लूँगी मैं, मतलब उसी में से एक साड़ी दिवाली में पहनूँगी, तो इसीलिए तो मतलब नहीं दूँगी स्टिच करने के लिए, तो आज के दिन दिवाली है संडे के दिन, तो नहीं आएगा साड़ी घर, मतलब ब्लाउज नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए सोची कल जो मेरा मार्केट वाला काम है उसको मैं डन करूँगी, उसके बाद रह जाएगा बच्चों का कपड़ा किनने वाला काम, तो धीरे धीरे वो भी होता रहेगा। तो मतलब बहुत सारा काम है, नहीं मतलब होता है ना कि जब तक दिवाली ख़त्म नहीं होगा ना तब तक काम ख़त्म नहीं होगा। दिवाली ख़त्म होने के बाद हम लोग गाँव चले जाते हैं, तो गाँव चले जाते हैं तो यहाँ का टेंशन तो थोड़ा मतलब वो हो जाता है, हल्का हो जाता है, कि गाँव में रहते हैं तो मतलब वो लोग सब कोई रहता है तो साथ साथ करते हैं, तो उतना मतलब लोड नहीं रहता है, यहाँ पे तो मैं अकेली हूँ तो मुझे सब करना पड़ता है अकेले ही, क्या करें। तो अभी का लाइफ ऐसे ही चल रहा है, छठ जब तक नहीं बीतेगा ना तब तक हम लोग को चैन नहीं मिलने वाला, और साल में एक बार आता है तो ऐसे भी पूरा सफाई करना तो ज़रूरी ही है। तो बहुत सारा बात कर ली, तो चलिए इसी आशा के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय फ्रेंड्स।